चलिए बढ़ते खबरों में अब आगे। मंडियों में गेहूं खुले में पड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बारिश होने से किसानों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। शनिवार को रोहतक, गुरुग्राम, कैथल और हिसार में जिले में बेमौसम तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान अपने फसलों के नुकसान से काफी परेशान है। वहीं जहां सरकार और अधिकारी पोर्टल पर इसे रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष किसानों की खराब हुई फसलों का मुआयना कर किसानों को वाजिब मुआवजे देने की मांग कर रहा है। इस बीच मंडियों में खुले में सूखने के लिए पड़ी गेहूं की फसल पर भीगने का भी खतरा मंडरा रहा है। रोहतक, गुरुग्राम, कैथल और हिसार की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से खेतों में तो जो किसानों की फसल थी वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन मंडियों में भी गेहूं की जो फसल है वो खुले में पड़ी हुई है और उसके भी भीगने का जो संकट है वो लगातार बना हुआ है।